आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले स्थित खरगापुर थाना में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रात के अंधेरे में गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। बुधवार की रात भेलसी रोड महादेव वाटर प्लांट के पास से इस ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक क्रमांक MP09HG5919 जतारा से आ रहा था और बलदेवगढ़ की ओर जा रहा था। रात्रि को पुलिस गश्त पर थी, तभी मुखबिर द्वारा TI खरगापुर वीरेंद्र सिंह पवार को सूचना मिली। पुलिस टीम ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और ट्रक को महादेव वाटर प्लांट के पास पकड़ लिया। पकड़े गए ट्रक में 26 बछड़े थे, जिसमें एक मरा हुआ था। बछड़ों को खरगापुर गौशाला में छोड़ा गया और मरे हुए बछड़े का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है गोवंश से भरा ट्रक ग्वालियर के पास से भरकर सिवनी ले जा रहे था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। जब आरोपी से पूछताछ की तो उसका चालक गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जब आरोपी तौफीका खान तने शहीद खान परिचालक निवासी टीकमगढ़ से शक्ति से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं टीकमगढ़ का निवासी हूँ, फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इसमें प्रमुख भूमिका थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार, SI नितेश जैन, SI राजवीर यादव, दीपक गंगेले, गौरी शंकर लोधी, रामकिशन, प्रवेंद्र, योगेश आदि ने निभाए। आपको बताना चाहेंगे, आज रात 5 तारीख की रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जतारा तरफ से ट्रक आ रहा है, जिसका नंबर MP09HG5919 है, जिसमें गोवंश तस्करी करके ले जाए जा रहे हैं। इस सूचना चूँकि गंभीर थी, इसमें हमारे थाने के स्टाफ, इसमें हमारे उपनिरीक्षक नितेश जैन हैं, राजीव सिंह हैं, दीपक हैं, मनीष हैं, पटेरिया जी हैं, रामकिशन हैं, प्रवीण वगैरह, इन लोगों ने के साथ मिलकर हम लोगों ने कुरीला चौराहे पे स्टॉपर वगैरह लगा के उस वाहन को रोकने का प्रयास किया। तो उस वाहन का चालक ट्रक को भगा के और आगे मल्लीगढ़ ट्रक रोड तक ले जाने लगा। तो आगे जाके फिर अपने महादेव वाटर प्लांट है, वहाँ पर जाके उस के ड्राइवर ने ट्रक को रोक के और वहाँ से भाग गया। ट्रक में एक और व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम तौफीक खान, सन ऑफ शहीद खान, ये टीकमगढ़ का रहने वाला है, जो अपने आप हेल्पर बता रहा है, उसको पकड़ा गया। साथ ही बाकी स्टाफ के द्वारा भागे हुए ड्राइवर की पता तलाश की गई, लेकिन चूँकि रात का समय था तो ड्राइवर भाग गया। तो इसके द्वारा बताया गया कि ट्रक के अंदर बैल हैं, जिन्हें ये लोग ग्वालियर से नागपुर तरफ ले जा रहे थे बूचड़ खाने के लिए। मौके पे ट्रक को खुलवा के देखा तो इसमें 26 नग बैल मिले, जिनमें से एक मृत बैल था। रात में ही फिर हम लोगों ने गौशाला है जो अपने घर का फोन है, वहाँ पे इन जानवरों को उतरवाया, सुरक्षित करवाया और बाद में इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, एफआईआर दर्ज हुई है। केवल दोनों लोग थे सर, चालक? अभी तो जो वाहन चालक था वो मौके से भाग गया है और हमें सिर्फ वाहन का हेल्पर मिला हुआ है। अब बाकी भारत प्लस के लिए टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही आप भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।